18 को प्रस्तुत करता है एच के कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर गर्रा फाटक पावर हाउस शाहजहांपुर। और जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अब तक 7,293 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 128 पॉजिटिव पाए गए और उसमें से अधिकतर कुछ लोग ठीक होकर अपने अपने घरों पे चले गए, लेकिन एल1 में 28 आज भी हैं और सरकारी अस्पताल में 10 का इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने क्या कुछ बताया, कितने मरीज अब तक हुए, कितने ठीक हुए, कितने और बाकी हैं, आइए विस्तार से हम आपको सुनवाते हैं। जनपद शाहजहांपुर में अब तक 7,293 लोगों का सैंपल लिया गया है कोरोना टेस्ट के लिए, जिसमें से 128 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ये पिछले 3 माह के आंकड़े हैं, जिनमें 128 लोगों में से मैक्सिमम लोग अभी ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। आज की डेट पे मात्र 38 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना संक्रमित हैं और जिनका हमारे अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से L1 हॉस्पिटल में 28 और जो L2 हॉस्पिटल है जिला अस्पताल वहाँ 10 पेशेंट का इलाज चल रहा है। तो ये एक अच्छी फिगर है कि जो पेशेंट आ रहे हैं वो अच्छे से ट्रीट होकर अपने घरों को जा रहे हैं। फिर भी मेरा कहना है कि यह संक्रमण है और संक्रमण को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम 2 गज की दूरी मेंटेन करें, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, फेस कवर रखें, 2 मिनट तक अपना हाथ ज़रूर धोएं ताकि साबुन से, ताकि अगर कोई संक्रमण हो भी गया है तो दूसरों तक वो जाने से रुक सके और हम संक्रमण के वाहक न बने। अनावश्यक, मैं बार बार कहूँगा, अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर न निकलें और जब आप बाहर निकलते हैं तो ये ध्यान रखें कि किसी भी सरफेस के अगर टच में आप आते हैं तो आपको अपना हाथ बार बार धो लेना है ताकि उसके माध्यम से आप संक्रमित होने से बच सकें। घर के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ज़रूर बचा कर रखें क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। आयुष कवच को डाउनलोड करें ताकि उसमें आपको पता लगता रहे कि कोरोना के प्रति इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपको अपने खान पान में, अपनी जीवन शैली में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, और आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करके रखें ताकि अगर आपके आसपास कोई कोरोना का संदिग्ध पेशेंट है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपना बचाव उससे कर सकें। और जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने ये भी बताया कि प्रवासी मजदूर जो जिला शाहजहांपुर में आए हैं इस कोरोना महामारी में, अपने अपने घरों पे जो आए हैं उनको रोजगार के लिए मनरेगा जॉब कार्ड भी बनाए जाएंगे और उसके बाद उनको कहां कहां नौकरी दिलाई जाएगी, कहां कहां उनको मजदूरी मिलेगी और कहां कहां वो योजनाएं उन्होंने बनाने की तैयारी कर रहे हैं जहां से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वो कौन कौन सी जगह है, आइए सुनते हैं। जो भी प्रवासी श्रमिक आए हैं और जो अकुशल श्रमिक हैं उनको रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर जो मनरेगा की कार्य योजना है उसमें उनको आच्छादित किया गया, उनकी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए हैं और उनको 100 दिन तक का रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में आज की डेट में जब हम इसको देख रहे हैं तो करीब 94,000 मानव दिवस सृजित हैं जिसमें लोग अभी कार्य कर रहे हैं और इसमें ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को लिया है जो पहले आच्छादित नहीं थे। उदाहरण स्वरूप इनको मछली पालन इत्यादि के लिए जो तालाब बनाए जा रहे हैं उनमें इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और जो 5 जुलाई के उपरांत वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम किया जाना है उसमें तमाम ID जनरेट करके वहां पर इनको रोज़गार देने की कोशिश की गई है और PWD और अन्य बहुत सारे महकमे जो श्रम परक कार्य करते थे उसमें श्रमांश को मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से कवर किया जा रहा है। इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आए हुए बड़ी संख्या के प्रवासी श्रमिक हैं उनको किसी न किसी प्रकार का रोज़गार उनकी परिफेरी में, उनके स्थानीय इलाके में उपलब्ध हो जाए ताकि उनको अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े।